अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अग्निपथ योजना के बारे में कि योजना है क्या। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया है, जब से हमारे देश में अनस्टेबिलिटी का माहौल बनाया गया, जो लोग इस स्कीम को नहीं भी जानते थे वो अभी इस स्कीम को अच्छी तरह से जान गए हैं। तो ऐसा क्या है इस स्कीम में कि नेताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जो ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे लोगों ने देश में अनस्टेबिलिटी का माहौल बना के रखा हुआ है। सच में स्कीम खराब है या अच्छी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में, अप्लीकेशन डेट के बारे में कि यह कब से अप्लाई होगा और क्या क्या भ्रम फैलाए गए हैं और ये देश में और ख़ासकर बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी गवर्नमेंट को, लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव वीडियो है, उस वीडियो में भारत के ही एक नौजवान जो सेना की तैयारी कर रहा है, उन्होंने इस वीडियो में यह बोला है कि देश की सेवा या तो एक दिन का हो, चार दिन का हो या चार साल का हो, देश की सेवा का मतलब देश की सेवा होता है। तो उनसे कुछ सीखिए कि यह देश की सेवा की बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है। तो उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, अग्निवीर के लिए हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी आइए ग्राउंड और तैयार हो जाइए। अरे देश सेवा करना है, चार साल को हो या दस साल को हो या बीस साल को हो, सिर्फ देश सेवा करना है, वर्दी का जुनून है। अगर पैसे कमाने की बात रहता तो भाई दूसरे जगह भी कमा लेते। आज वर्दी पहनने का शौक है, छह साल से तैयारी कर रहे हैं और सातवां साल है, फिर भी तैयारी करेंगे। आर्मी में जाना है और वर्दी का जो भी शौक है उसको पूरा करना है। जय हिंद दोस्तों। जय। तो बात करते हैं अग्निपथ योजना की। तो आखिर क्या है इस योजना में कि हमारे देश में कुछ दिन पहले अनस्टेबिलिटी का माहौल बनाया गया। तो सबसे पहले इसे जानते हम लोग हैं। तो यह एक ट्रांसफॉर्मिंग योजना है जिसके द्वारा हमारे तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती कराया जाएगा, जिसे हम लोग यंग शक्ति कहते हैं, जिससे हमारे सेना में बहुत ही सुदृढ़ और हमारे सेना मजबूत होगी। इसमें एज की बात करें तो 17.5 से 21 ईयर तक जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसे प्रोटेस्ट के बाद 21 से 23 तक कर दिया गया है। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का आपका यहाँ ड्यूरेशन है सर्विस का, जिसमें आपका 6 महीने का ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। 4 साल सर्विस के बाद आपको यहाँ पर सेवानिधि दिया जाएगा जो अप्रॉक्स 11.71 लाख का होने वाला, जो टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर भी है 48 लाख का और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस मैंने ऑलरेडी बताया जो 48 लाख का होगा और डेथ कंपनसेशन आपका 1 करोड़ तक दिया जाएगा। डिजेबिलिटी कंपनसेशन की बात करें तो 100% अगर डिजेबिलिटी आप होते हैं तो 44 लाख दिया जाएगा, 75% होते हैं 25 लाख दिया जाएगा और 50% अगर डिजेबिलिटी होता है तो 15 लाख आपको दिया जाएगा। बात करते हैं डेट की, तो अग्निपथ स्कीम में तीनों सेनाओं में आपका भर्ती होगा। बात करें आर्मी की तो यहाँ पर अभी कोई भी डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स और नेवी का डेट आ गया है। तो एयरफोर्स के लिए जो स्टार्टिंग डेट है आपका 24 जून से स्टार्ट हो गया है और नेवी का 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट की बात करें एयरफोर्स की तो 5 जुलाई तक आप एयरफोर्स की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और नेवी का 30 जुलाई तक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 46,000 वैकेंसी है, जिसमें आर्मी में 40,000 है, एयरफोर्स में 3,000 प्लस है और नेवी में 3,000 है। एग्जाम डेट की बात करें तो एयरफोर्स में 24 जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा और नेवी में आपका अक्टूबर तक होने वाला है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एयरफोर्स में 250 लगने वाला है और नेवी में आपका 215 लगेगा। तो ये तो हो गया आपका डिटेल कि अग्निपथ योजना है क्या और कब से अप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि आपके 4 साल के सर्विस के बाद और आपको क्या दिया जाएगा। ये तो हो गया कि आप सर्विस के दौरान आपको क्या मिल रहा है, और अब बात करते हैं सर्विस के बाद आपको क्या दिया जाएगा। तो सर्विस के बाद अगर आप 10th से ज्वाइन करते हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 12th से ज्वाइन करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा कि 4 साल के सर्विस के बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, तो आपको 12 लाख का फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा जो बैंक लोन के तहत दिया जाएगा। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उसका ही मौका दिया जाएगा और आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड में, डिफेंस पोस्ट में एंड
ऑल द 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में, और आपको 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल आर्म फोर्स यानी CRPF में, असम राइफल में दिया जाएगा, और आपको स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट में भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा छूट दिया जाएगा। आपको स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और आपको 4 साल के सर्विस पर जो भी इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्च करने के बाद, बताने के बाद हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, जिसके कारण कि हमारे देश को आग के हवाले, दंगाइयों के हवाले कर दिया गया। हमारे देश की 700 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को जलाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग देश को जला रहे हैं वो क्या आर्मी में जाने लायक है, और सच में क्या वो स्टूडेंट हैं, ये भी सवाल होने चाहिए। दंगाई थे, और जो भी दंगाई है उनको गवर्नमेंट अच्छे से सजा दे, और जो भी पैसे हैं उनसे ही वसूला जाना चाहिए। अब बात करते हैं भ्रम के बारे में, कि जो पत्रकारों और नेताओं के द्वारा, कुछ पत्रकारों ने तो ऐसा ही बोला कि गवर्नमेंट ने आर्मी को प्राइवेट कर दिया है। तो उन पत्रकारों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आर्मी है ना, जो सेना है ना, वो कोई जॉब नहीं है, वो एक देशभक्ति है। देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, जैसे हम अपनी माँ की, हम अपनी बहनों का सेवा करते हैं, रखवाली करते हैं, इसी तरह देश भी हमारे लिए माँ है। तो यह कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ना यह कोई गवर्नमेंट जॉब है, इसको बस जॉब से ना जोड़ें, यह एक सेवा है। और जिनको भी यह सेवा करना है वह अग्निपथ योजना से जुड़े, और जिनको यह सेवा नहीं करना है वह इससे दूर रहें। तो क्या क्या भ्रम फैलाए गए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो भ्रम था कि जो 21 ईयर्स ओल्ड थे वो इमेच्योर है, अनरिलायबल है फॉर द आर्मी, यानी जो 21 साल का जो कैंडिडेट है वो इमेच्योर है, अनरिलायबल है। तो ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द आर्मी अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द देयर यूथ, ठीक है ना। तो जितने भी आर्मी अक्रॉस द वर्ल्ड है, यानी वर्ल्ड में जितने भी आर्मी के जो लोग हैं उनमें यूथ ही रखा जाता है, जो 18 से 23 के बीच में होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका भ्रम है, अग्निपथ विल हार्म द इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्म फोर्स, यानी अग्निपथ जो है हमारे आर्म फोर्स को इफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, हार्म करेगा, हानिकारक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब भ्रम बेकार की चीज़ है। फिर आपका तीसरा मीथ है, यानी तीसरा आपका भ्रम है कि अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अग्निपथ, यानी अग्निपथ निकलने के बाद जो भी आने वाले फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या तो कम हो जाएगी। अभी भी भ्रम फैलाया गया है लोगों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो ऐसा है आने वाले दिनों में अगर अग्निपथ योजना के बाद क्या अपॉर्चुनिटी घटेगी, ऐसा तो नहीं होगा। आर्मी का कॉन्फ्रेंस भी, उसमें बोला गया कि आने वाले दिन में कम से कम इसे ट्रिपल किया जाएगा, यानी 1,20,000 तक को और वैकेंसी निकाली जाएगी जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा यूथ को। तो ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में NDA का, CDS का पोस्ट नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना, आर्मी का पोस्ट नहीं निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर चौथा भ्रम है, अग्निवीर विल बी अ डेंजर टू सोसाइटी एंड ज्वाइंट टेररिस्ट, ऐसा है क्या, क्या हम लोग नहीं जानते कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे सेनाएं हैं, वो क्या ऐसा है जो सोसाइटी के लिए डेंजर है, जो टेररिस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी भ्रम फैलाया गया कि 4 साल सर्विस देने के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जो हमारे सेनाएं हैं, उन पर हमको गर्व है, अपनी से ज़्यादा उन पर भरोसा है। ये सब भ्रम फैलाया गया झूठ मूठ का कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपका भ्रम है, फ्यूचर ऑफ द अग्निवीर इज द इनसिक्योर, यानी जो अग्निवीर 4 साल बाद निकलेंगे आर्मी से, उनका लाइफ जो फ्यूचर इनसिक्योर है। तो ऐसा है क्या, क्या होगा, कब होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम आर्मी में 1 साल रहें या 4 साल रहें, ऐसा क्या है कि हम इनसिक्योर हैं। जब आर्मी में आप जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपका जो बॉडी का टेक्सचर है, डिसिप्लिन है, ठीक है ना, माइंड है, सब बदल जाएगा। आप एक कॉन्फिडेंस इंसान बनकर आर्मी से निकलेंगे, जिनका फ्यूचर इनसिक्योर नहीं हो सकता, सिक्योर हो जाएगा। जो आर्मी के बाद निकलेंगे, आर्मी में ट्रेनिंग के बाद, आर्मी में सर्विस के बाद, और जो एक ऐसे ही जो पढ़ाई कर रहा,
उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आर्मी के सर्विस देने के बाद जो निकला बंदा वो ज़्यादा सिक्योर फील करेगा, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको एंटरप्रेन्योर अगर फर्दर स्टडी करना है तो अलग, ठीक है ना, फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट में जो नौकरियाँ हैं उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ है, तो ये भी एक तरह का भ्रम ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया गया, इस पर आप ध्यान ना दें। अब ये जो प्रोटेस्ट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ, सबसे ज़्यादा बिहार में जो लोग हैं, बिहार को अनस्टेबल किया, ट्रेन को रोका, ट्रेन को जलाया, ठीक है ना, कुछ लोगों ने बोला कि बिहार के युवा ऐसा करे, तो बिहार के जो युवा है ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये जो दंगाई है, ठीक है ना, ये वे बिहार को अनस्टेबल कर रहे हैं। बिहार में इससे अलग भी प्रॉब्लम है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, मगध यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट कंडक्टेड एग्ज़ाम फॉर 3 ईयर्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है बिहार का यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी, जिनका अभी तक 3 साल से एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो वह युवा क्या करेंगे जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन है और जिनका 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वो पार्ट वन भी पढ़ाई कर लिए, पार्ट टू भी पढ़ाई कर लिए, पार्ट थर्ड में भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका न सही से सर्टिफिकेट मिलेगा, न सही से डिग्री मिलेगा, वो क्या कर पाएंगे। तो इस पर भी बात करना चाहिए, इस पर भी लोग बात करें। दूसरा आपका प्रॉब्लम है बिहार का या पूरे देश का ही मान लीजिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का एक समय सीमा होना चाहिए, यानी जो भी आपका एग्ज़ाम है, यानी आप कोर्स कर रहे हैं कोई भी, तो उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर जितने भी यूनिवर्सिटी है, किसी का टाइम टेबल है ही नहीं, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे हम जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई एग्ज़ाम का समय सीमा नहीं है। मान लीजिए कि हम बिहार SSC की बात करें तो फॉर्म निकलता है, उसके बाद पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होगा, तो बच्चे लोग तैयारी करते रहे करते रहे, एग्ज़ाम का डेट ही पता नहीं, तो कितना पढ़ेंगे। तो एक एग्ज़ाम का समय सीमा होना चाहिए, जैसे CM का इलेक्शन होता है समय पर, जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट का डेट पहले से ही बता दिया जाता है। तो उसी तरह जो भी कोर्स का एग्ज़ाम हो या आपका जॉब से रिलेटेड का एग्ज़ाम हो, तो जैसे ही फॉर्म का डेट आता है उसी समय आप एग्ज़ाम का डेट भी निश्चित कर दें कि उस दौरान आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बच्चे लोग के लिए आसानी होगी। तो इस पर भी बात थोड़ा कीजिए। बात करते हैं बिहार के इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री के बारे में। तो बिहार में कुछ सालों में बहुत विकास हुआ है, रोड, सड़क, ब्रिज, बहुत सारा बना, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री बिहार में नहीं है। लोगों का पलायन बाहर होता है, लोग बिहार में काम करना चाहते हैं ना कि बाहर। यहाँ पर ना IT सेक्टर है, ना आपका कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो बिहार के जो युवा है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड है, उनको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। तो अब बिहार में अवसर बनाए, इस पर क्यों नहीं बात करते आप लोग, इस पर बात करें। चौथा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक ही एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा कारोबार, जो बिहार की सरकार है, और दूसरे स्टेट में भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि एक ही एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा, कि अगर आप क्लर्क हैं तो आप ही को, जो रिटायर कर चुका उसका कार्यभार आप ही को दे दिया गया कि आप ही संभाल लीजिए आप, ठीक है ना, उसका भी सैलरी आपको मिल जाएगा, आप एक पोस्ट पे है, आपको 3 पोस्ट का कार्य मिल गया, तो वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो रिटायर कर गए हैं उनको भी सरकार बोलती है कि आप काम करें, ठीक है ना, रिटायर को भी, कितने लोग तो काम रिटायर के बाद करना ही नहीं चाहते, कितने लोग करना भी चाहते हैं। तो ये जो सरकार का रवैया बहुत ख़राब है, आपको परमानेंट नहीं देना है तो कॉन्ट्रैक्ट पे दें, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप दें, रोज़गार दें, आप एक ही एम्प्लॉय को 3 से 4 कार्यभार ना दें, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लास्ट वाला है, 5th नंबर, जो मेरे को लगता है, बार बार नेता लोगों के द्वारा भारत और बिहार को बंद करने का आह्वान, यानी जब भी कुछ सरकार ने लॉन्च किया या अपने मन से जब हो, भारत को बंद कर देंगे, बिहार को बंद कर देंगे, जिससे अनस्टेबिलिटी होता है हर जगह, हमारा बिजनेस रुक जाता है, ट्रांजेक्शन रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, सबसे बड़ा चीज़ है व्यापार, अगर व्यापार नहीं होगा तो टैक्स नहीं आएगा, ठीक है ना, हमारा देश रुक रहा है, और ये भी एक तरह का देशद्रोह है, भारत को बंद करना, बिहार को बंद करना, जिससे जो आम जनता है उसको परेशानी होती है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सोचना पड़ता है, ट्रेन को रोक देना, जला देना, एक तरह का देशद्रोह का मामला है। इसे भी सरकार थोड़ा देखे और लोग भी इसमें बात करें, क्या है, कोई भी पार्टी आए और देश को बंद कर दें, बिहार को बंद कर दें, क्या हो रहा है, ये देश है, कानून से चलेगा।
न कि नेताओं से, तो इस पर भी थोड़ा बात करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि आपको किस लिए प्रोटेस्ट करना है, ना कि विद्रोह करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।